हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे जैसे लॉकडाउन में आप सबकी व्लॉग्स को लेकर डिमांड बढ़ने लगी है, मुझे लगता है मेरे अपलोड्स भी फ्रीक्वेंट होने लगे हैं। मेरे हर व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही होती है और मेरी हर मॉर्निंग की शुरुआत फिज़िकल एक्टिविटी से। आजकल वीक में 3 दिन वर्कआउट करती हूँ और 3 दिन योग। योग करने से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है और बॉडी पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ती। खोला नहीं किसी ने, खोलो डोर, आ जाओ। इसको पता चल जाता है तुम आते हो। जैसे ही गाड़ी आई इसको इतनी एक्साइटमेंट होने शुरू हो जाती है। चलो अंदर आओ, अंदर वहां धूप है। नहीं खोला गेट, नहीं खोला, तू हमें बेवकूफ समझता है, गेट खुला छोड़ेंगे। लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पास आजकल काफ़ी फ्री टाइम है, सो घर के कामों में उन्हें इंक्लूड करने के लिए रात को ही उन्हें उनकी नेक्स्ट डे की ड्यूटीज़ बता देती हूँ, ताकि वो करने के बाद ही वो अपनी कोई और एक्टिविटी शुरू करें। आज संडे है। शिप बोट, शिप बनेगी जितना बड़ा ये है। एक हम जहाज बनाते थे ऐसे, एक शिप बनाते थे ना। हम दोनों स्कूल में एक साथ नहीं थे, अलग अलग, मतलब हमारे टाइम में ये सब चीजें ऐसे बना करती थी। अगर आप लोग स्कूल में साथ में होते तो आपको लगता है कि आपकी शादी होती? आई डोंट थिंक कंसीडरिंग एवरीथिंग, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज ही होनी थी। हम लोग 2 बजे तक नहीं जा सकते, आप लोग 4 बजे तक बैठ के रात को बातें करते थे फोन पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 बजे हमने शादी से पहले कभी फोन पे बात की थी? मैं तो देख तो लेते एक बार की थी। झूठे लोग, इतनी देर आप क्या बातें करते थे? आप सोते नहीं, सोते नहीं थे पूरी रात? हमने कभी बात नहीं की। कितना झूठ का, ये बात हमने 100 बार सुनी हुई है कि हम ऐसे बात करते थे। शादी से पहले बातें करते हैं तो घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और शादी के बाद कभी वाइफ अपने हस्बैंड को फोन करती है ना ऑफिस में, तो कहते जल्दी बात कर, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब की बात कर। शादी के बाद बीवियों की वैल्यू खत्म हो जाती है। चलो हेयर कट करती हूँ, अच्छे से हेयर कट करूंगी। तुम्हारे के बालों पे एक्सपीरियंस कर लिया है, अब तुम्हारे बालों पे करूंगी। मेरे पापा अंदर से सोच रहे हैं कि मैं रोज आता हूँ एजेंसी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट हैव टू मेक अ फूल ऑफ मायसेल्फ ना। मैं इतना बड़ा इतना अमीर नहीं हूँ कि सेलिब्रिटी से बात करूं। ओ 2 लाख होने वाले हैं आज पार्टी। अब खोल दे। हाँ यस, क्वेश्चन ये है कि आप एक बहुत बिजी हाईवे पर चल रहे हो, ठीक है, आपकी गाड़ी की सारी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, तो अब आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में कैसे लेकर आओगे? आप गाड़ी को न्यूट्रल पे लगा दोगे, चलती रहेगी, पर आपका कंट्रोल रहेगा, गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाएगी अपने आप। हैंड ब्रेक लगा दो, गाड़ी बंद कर दो, वो भी सारी ब्रेक्स फेल हो गई है सारी। तो बहुत टैलेंटेड है बेटा, तो मेरा नाम रोशन करेगा करेगा ना। पहले मुझे ये बता कि तेरे बाल किसने काटे हैं? और इतने खराब काटे हैं बाल, आज के बाद मैं तेरे बाल कभी नहीं काटने। नियर अबाउट 2 लाख सब्सक्राइबर है और मैं उससे भी बड़ा सेलिब्रिटी हूँ कि उसने मेरे बाल। इस इमरजेंसी में जब लॉकडाउन चल रहा है और इस पीरियड में मैं तुम्हारे बाल काटे हैं, थैंक्स बोलने की बजाय तुम मेरे को बोल रहे हो कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया आपके बाल कटने। देखो क्या बुराई है इसके बालों में, और ये कैसे कट दिया है, ये देखो जरा अच्छे है। और ये देखो यहाँ तक काटा है, इसका ये पड़ा हुआ सारा। लॉकडाउन ने हमसे वो सब करवा दिया जो हमने शायद करने का कभी सोचा भी नहीं था।
उदय के हेयर बहुत फास्ट ग्रो होते हैं और उसकी वजह से ही वो बहुत परेशान हो रहा था कि मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है। तो मैंने उसे ऑफर किया था कि चलो मैं तुम्हारा हेयर कट करती हूँ। तो उसे 2 दिन लगे ये सोचने पे कि उसे मुझसे हेयर कट करवाना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली जो काम मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किया वो उतना अच्छा तो नहीं हो सका, बट अभी के लिए दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये पिछले दिन का क्लिप है जब हम दोनों ही एक नया एक्सपीरियंस कर रहे थे और ये टाइम हम दोनों ने ही बहुत मस्ती करते हुए स्पेंड किया। मैं आप लोगों को इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि भूत देखते हैं। भूत कहाँ है? भूत होते ही नहीं। मूवी का फेलर है। भूतों भूतों वाली मूवी नहीं देखनी, मूवी देखनी है जो ऐसी मूवी देखो जिससे थोड़ी सी हंसी आ जाए। वो सही है, पर ऐसी फिल्म्स की वजह से ना मैं डर भी खा सकता हूँ। डर कहीं भी नहीं होना चाहिए, पर घर के अंदर तो बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं बताती हूँ घर के अंदर डर कैसे। लिजर्ड सबसे बड़ा डर। वो तुम्हें इस घर में सारे छिपकलियाँ उठा के बाहर फेंक सकते हैं, पर आप नहीं, आपको डर है सिर्फ छिपकली उठाना। हाँ क्या मेरे बाएं हाथ, मेरे बाएं हाथ का वो आपके सामने दीवार में दौड़ जाते हो, जंप मार मार के, नॉर्मली भी नहीं जंप मार मार के। ये बोल रहा है कि भूत मूवी देखने से हमारा भूतों का डर चला जाएगा। पहली बात तो भूत होते ही नहीं है, ठीक है? हाँ। तो उनका डर क्या चला जाएगा? ठीक है, जैसे लिजर्ड है, मुझे फोबिया है उसका, तो मैं अगर उसको हाथ में पकड़ लूंगी मेरा डर चला जाएगा? पापा मेरे को ये बोलते हैं, पापा मेरे को बोलते हैं कि मैं लिजर्ड को पकड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा तो तेरा डर चला जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। छिपकली मेरे हाथ में होगी मेरा डर चला जाएगा और साथ में मैं भी चली जाऊंगी। तो उसका क्या होगा कि अगर हम आपको दे देंगे तो पता लगा कि नहीं यार ये मुझे वैसे हर्ट नहीं करती जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे हर्ट कर देगी। मतलब छिपकली का फियर नहीं कह सकते आप, फोबिया कह सकते हैं। छिपकली से क्या डरना है? छिपकली मेरे को खा थोड़ा जाएगी, बस वो मेरे को एक फोबिया है। वो तो खुद हमसे डरती है, हम उसके आसपास तो वो खुद भागने को करती है। मेरे को पता है वो हम पे अटैक थोड़ा ना करती है, मुझे पता है वो चीज। लेकिन मेरे को फोबिया है। फिर पहले तो मैंने हिम्मत बनाई कि मैं ये बोलूं कि मैं अकेले अपने कमरे में सोऊंगा। मैंने करा कि मैं लाइट ऑन करके सोता था और आप जब आते थे आप लाइट ऑफ करके चले जाते थे, ठीक है? फिर मैंने खुद लाइट ऑफ करके सोना शुरू करा, पर दरवाजा खोला रखकर। फिर मैंने लाइट ऑफ करी और दरवाजा बंद करके सोना था स्टेप बाय स्टेप। तो अगर मैं एक साथ कर देता तो आपके साथ वही होगा। आप तो डायरेक्ट वही बात कर रहे हो ना कि मेरे को आपने डायरेक्ट छिपकली पकड़ा देनी है। हाँ, विराज करते हैं आपको कुर्सी उठा था सामने ऐसे सर के छिपके नहीं लाएंगे। हाँ, पहले हाँ हाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, अगर आप शरारत नहीं करोगे। पापा पापा क्या करते हैं? आप पापा ने छिपकली पकड़ी होती है, इतना फेंकने को ऐसा डराते हैं मेरे को। अगर वो नहीं, अगर वो चीज ना करके मेरे सामने लिजर्ड को लाके ऐसे रख दें। नहीं नहीं मम्मा की तो जोक कर रहे हैं कि यहाँ रख दें, आप यहाँ बैठोगे नहीं, आप उम्मीद दूर वहाँ खड़े होगे जाके। ऐसा ऐसा डर जाएगा ना, ऐसे नहीं जाएगा। आप बोलो यहाँ रख, मैं चाहती हूँ कि मैं ना डरूं लिजर्ड से, लेकिन मेरे को लगता है डर। पर आप लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं की मेरा डर भगाने की। पकड़े उदय ने पकड़ी, पापा ने पकड़ी, बड़ा मम्मा ने पकड़ी, आपको हर बार दिखाई है कि एक बार देखो तो सही, बार पकड़ के देखो। आप सुनते ही नहीं, अब क्या कर रहे हैं? और आपके ऊपर रख रहे हैं। ओहो, यादें ताजा की जा रही हैं। काम लग रहा हूं, काम। ये है हमारी शादी की फोटोग्राफ्स जिसे हम सेट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस काम को करने के मैं सोच रही थी और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। जो हमारी एक्चुअल में जो वेडिंग एल्बम थी ये ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं ये थी, ये इसके स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता लूज होते गए, फोटोग्राफ्स निकलती गई। हमने डिसाइड किया था कि हम इसको नए एल्बम में सेट करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। लॉकडाउन में ये काम तो हो ही जाएगा। हाँ, लॉकडाउन में ये काम तो हो ही जाएगा। ये 20 साल पुरानी मेमोरीज हैं। टाइम कितना भी निकलता जाए लेकिन ये मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं जब हम इन फोटोग्राफ्स को देख लेते हैं। कुछ टाइम पहले आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि अपनी वेडिंग एल्बम शेयर करूं, तो इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवनिंग टी के साथ ही डिनर की तैयारी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिनर रेडी हो जाए तो इसके बाद सारी फैमिली एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई होप आप सब भी इस टाइम को अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ नया फील करने को मिला है। तुम लोग क्या कर रहे हो ऊपर? अच्छी हवा चल रही है। हाँ आज ये लोग भी सारे लोग। नहीं आज मौसम बड़ा अच्छा है, रात को बारिश होगी देखना। मैं रोज शाम को रोज में देखती हूँ सारे लोग कोई वॉक कर रहा है कुछ। सही है ना मौसम, ठंडी हवा में चाय पीने का मजा ही लग होता। नहीं
जल्दी हो, डॉगी है, डॉगी 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 तेरे जैसा डॉगी है देख। अब प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं इधर बैठ जाऊँ। ये कोई बैठने की जगह है? हमारी सिविलाइजेशन है, वो लोग एक ग्रुप के साथ ज्यादा रह सकते हैं। हम चारों ब्लू हैं आज। हमारा ब्लू अलग है, जैसे हम मेरा है? अलग है, बस आप तीनों का। हम तीनों का ब्लू, देखो ब्लू ब्लू ब्लू। एक हाथ पीछे जाएगा, एक हाथ पीछे भी लेके जाओ, ये जो कर दिया ऐसे खड़े हो गए, ये इधर को जाएगा, हाथ इधर को जाएंगे। अब एक हाथ दोनों हाथों में लेके जाना, पर एक पीछे जाएगा और एक इधर आएगा। हाँ, अब इसको वापस लेकर आओ ऐसे, और ऐसे दूसरी साइड को। नहीं आ गए। बनाने लगी चपातियां आजकल। जैस्मिन बना रही है रात की चपातियां, तो देखिए आप, शेप ऑलमोस्ट ठीक ही है। कितनी बना दी? गोल बनाई है इतनी सारी, वो एक दो हो जाती है कभी। हाँ नहीं नहीं अच्छी बना रही है, सॉफ्ट है बिल्कुल, और शेप भी ठीक है अच्छी। आजकल जैस्मिन भी कुकिंग में इंटरेस्ट लेने लगी है। कल उसने मोमोज बनाए थे, और दो तरह के मोमोज बनाए थे, चिकन मोमोज एंड वेजिटेबल मोमोज। और यहाँ पे टमाटोज बॉईल किए हैं सॉस बनाने के लिए। अभी जैस्मिन ने मिंस्ड चिकन लिया है और उसमें डाला है कटा हुआ गार्लिक और कटा हुआ प्याज, और उसके बाद वो इसमें डालेगी सारे मसाले। स्प्रिंग अनियन डालें तो और भी टेस्टी बनते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तो अभी सबसे पहले उसने डाला है चिकन मसाला एक चम्मच, और उसके बाद एक चम्मच डाला है जीरा पाउडर। रेड चिली पाउडर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, सॉल्ट भी डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। इन सब चीज़ों को बस अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद दो चम्मच डाला है देसी घी कि मोमोज थोड़े जूसी बने, और स्पून के साथ मिक्स करने की बजाय अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें और उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करें। डो मैंने उसे खुद रेडी करके दे दिया था। दो कप लिया था मैंने यहाँ पे मैदा, और हाफ टी स्पून इसमें डाला था सॉल्ट। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथते जाना है। बहुत नॉर्मल सा डो हमें रेडी करना है, बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। डो रेडी हो जाए तो 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने दें, तब तक दूसरी तैयारी कर लें। और यहाँ पे जैस्मिन कर रही है तैयारी वेज मोमोज की, जिसके लिए उसने गाजर क्रश की है, थोड़ी सी पत्ता गोभी भी क्रश कर ली है, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम सारे मसाले। सॉल्ट डाला है सबसे पहले, उसके बाद डाला है इसमें जीरा पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। इसके बाद जैस्मिन ने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर, ये अपने घर का बना हुआ रेड चिली पाउडर है। अब डाला है इसमें एक चम्मच देसी घी, साथ ही डाल दिया है गरम मसाला। बस हाथों के साथ इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्प्रिंग अनियंस डाल सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो डाला है इसमें नॉर्मल कटा हुआ प्याज। उसके बाद जितना भी डो आपके पास है उसको तीन या चार बड़े पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद एक एक पार्ट को लेके उसको हमने सिंगल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये फर्स्ट टाइम है जब जैस्मिन मोमोज बना रही है, और मुझे बहुत खुशी हुई, उसने बहुत टेस्टी मोमोज बनाए थे। कभी ना कभी ये चीज़ें बच्चे मार्केट से लाते हैं और खाते रहते हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम से उन्होंने नहीं खाया है, तो डिसाइड किया था खुद ही बनाने का। छोटी छोटी लोइयां लेके उसकी रोटियां बना, और उन्हें सबसे पहले वेजिटेबल फिलिंग के साथ फिल किया। और यहाँ स्टीमर में पानी गर्म हो रहा है, और फिल करने के बाद यहाँ पे दोनों तरह के मोमोज को उसने डिफरेंट शेप दी थी ताकि पहचान में रहे। और यहाँ पे उसने वेजिटेबल मोमोज के लिए गुजिया टाइप शेप दी है। शेप उतना मैटर नहीं करती है, टेस्ट मैटर करता है। पानी बॉयल होने लगे तो स्टीमर में मोमोज को रखते जाना है, और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और मोमोज रेडी हो जाएंगे। रेड सॉस के लिए हमने बॉयल टोमेटोज को पील कर लिया था, और सूखी लाल मिर्च के साथ ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद तड़का लगाया इसमें लहसुन और प्याज डाल के, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दें, और बस इसको थोड़ी देर पकाना है, एटलीस्ट 5 से 7 मिनट, और बस ये रेड सॉस रेडी हो जाएगी। वेजिटेबल मोमोज बनाने के बाद जैस्मिन ने चिकन मोमोज बनाना शुरू किया, उसके लिए उसने अलग शेप दी है। मोमोज बनाना डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चे तो ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों को ये सब अच्छा नहीं लगता, उनको नॉर्मल खाना ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने बच्चों से अब कहना शुरू किया है कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज खानी है आए किचन में और खुद ट्राई करें। और मेरा यह डिसीजन काफी हद तक सही रहा, जैस्मिन का कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है, उसे भी लगने लगा है कि वो बहुत अच्छी कुकिंग कर सकती है। तभी उसने चिकन मोमोज भी स्टीमर में रख दिए हैं, और चिकन मोमोज को 15 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। नहीं। 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 नहीं।
आज तो मोमोज बहुत टेस्टी बने क्योंकि आज जैस्मिन ने बनाया, तो जैस्मिन को तो ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। नहीं पता कितनी ज्यादा मेहनत की है मैंने, मेहनत की हुई चीजें अच्छी लगती हैं। डेढ़ घंटा तो सिर्फ मुझे बनाने में लगा, उससे पहले मिक्सचर अलग से, उनको अलग से टाइम लगा दोनों को। फिर मैंने दो बनाए ना विदाउट जीरो हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन, सम हेल्प फ्रॉम यू। मसाला तो मैंने डाले हैं। क्या सवाल है स्टफी, बारिश हो रही है, नजर आ रहा है स्टफू? इग्नोर पता कितना अच्छा करता है, सुनता ही नहीं है। फिर सुन रहा है कब से आवाज मार रहे हैं स्टफी? स्टफू आर यू सीरियस? कोई असर ही नहीं है, मार्चर हो जाए। वो एंजॉय कर रहा है बारिश को, गिल्ला हो जाएगा फिर तो को साफ कौन करेगा। जी जी अब देखा तेरे को है, अब देख गए हम। मामा इज बिजी ऑन व्हाट्सएप, आजकल ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं व्हाट्सएप पे। स्टफू चलो बेटा, नुनू नहीं करना आज, तू यहीं सोएगा दीदी के रूम में, मेरे पास नहीं सोना। चलो फिर शेक इन कर दो, शेक इन ढंग से करो। ओ गुड बॉय, चलो फिर आ जाओ नुनू करें, मैं जा रही हूँ। आ गया, हो गया मेरा बच्चू। चलो जी, गुड बॉय, चलो गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मेरा बच्चा।